पेज मेकर में सबसे इम्पॉर्टेंट मेनू होता है एलिमेंट। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग एलिमेंट मेनू के बारे में जानेंगे। एलिमेंट मेनू मैक्सिमम क्या होता है, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर या किसी शेप पर कोई डिज़ाइन करना चाहेंगे या किसी शेप से रिलेटेड वर्क करना चाहेंगे तो एलिमेंट मेनू का हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अभी आप पेज देख रहे होंगे, इस पेज में आपका मार्जिन देखिए, टॉप में मार्जिन है, ये राइट में मार्जिन है, इसके अलावा लेफ्ट में भी और बॉटम में भी है। हालांकि लेफ्ट साइड जो मार्जिन है ये मार्जिन ज़्यादा है, तो ध्यान रखिएगा कभी भी अगर जो पेज आप ला चुके हैं, जिस पर डिज़ाइन बना चुके हैं, इस पर अगर कुछ बदलाव करना है, कुछ पेज में सेटअप करना है, तो फिर हम यहाँ से ना फाइल मेनू में डॉक्यूमेंट सेटअप का यूज़ करते हैं। एक होता है न्यू मेनू, न्यू का मतलब होता है नया पेज लाने के लिए होता है, लेकिन जो पेज ला चुके हैं इसमें बदलाव करना होता है तो डॉक्यूमेंट सेटअप का यूज़ करते हैं। डॉक्यूमेंट सेटअप का बॉक्स खुला, ये वैसा ही बॉक्स आपका फाइल मेन्यू में जब आप न्यू पर क्लिक करेंगे तो ओपन होता है। तो ये जो पेज दिखाई दे रहा है सेम इसी का सेटअप है। अभी आपको क्या करना है कि लेफ्ट साइड का मार्जिन जो है वैसा ही रखना है जैसा कि आपको टॉप में है, राइट साइड है, बॉटम में है। तो यहाँ पर देखिए इन साइड में मार्जिन है 0.984 और बाकी सब में क्या है 0.788। तो हम यहाँ से यहाँ को भी क्या करते हैं ना, मिटा देते हैं और यहाँ से 788 कर देते हैं और यहाँ से ओके। तो अब देखिए पेज वही रहा, डिज़ाइन भी वही रहा और बाकी का जो मार्जिन है जैसा पहले का था उसकी अपेक्षा जो है ना अब लेफ्ट साइड भी वैसा ही हो गया। तो किसी भी पेज मेकर में किसी पेज पर जब आपको सेटअप करना होता है तो डॉक्यूमेंट सेटअप ये वैसा ही होता है जैसे कि पेज सेटअप करते थे वर्ड एक्सेल में या और भी किसी दूसरे एप्लीकेशन पर। तो अब यहाँ से हम लोग ना ये समझते हैं एलिमेंट मेनू। देखिए सबसे पहले एलिमेंट मेनू में फील, फील मतलब होता है भरना। तो जैसे अभी ये सब जितना भी सारा स्टाइल दिखा रहा है ना, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट लाते हैं, जैसे ये सेफ हम ड्रॉ किए, ठीक है, और इसके अंदर कोई डिज़ाइन फील करना है तो हम यहाँ से एलिमेंट मेनू में जाएंगे और यहाँ से फील, और इसके बाद देखिए अभी डिफ़ॉल्ट नन चूज किया हुआ है। आप यहाँ पर ज़रूरत के अनुसार आप इनमें से किसी भी डिज़ाइन का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ऐसा चाहिए तो जैसे ये सेलेक्ट करेंगे उसके बैकग्राउंड में ऐसा कलर हो गया। कलर क्या, आप इसको कलर नहीं कर सकते, ये डिज़ाइन है। कलर करना चाहेंगे तो फिर अभी यहाँ से देखिए ब्लैक है, आप यहाँ पर ब्लू पे क्लिक करेंगे ब्लू कलर होगा, अगर आप रेड पर क्लिक करेंगे रेड कलर होगा। ठीक है, फिर इसका अगर स्टाइल बदलना है तो एलिमेंट मेनू में जाइए, फिर फील में जाना है और यहाँ से अगर मान लीजिए ये वाला चाहिए तो फिर सेलेक्ट कीजिए, वैसा हो गया। ठीक है, तो किसी भी शेप में अगर डिज़ाइन फील करना तो एलिमेंट मेनू में जाएंगे, और स्ट्रोक मेनू होता है जो शेप है उसका आउटलाइन यानी जो बॉर्डर होता है उसमें डिज़ाइन देने के लिए स्ट्रोक में जाएंगे। अभी यहाँ से क्या है ना कि एक सिंपल ये वाला लाइन है, अगर हम इस बॉर्डर को अगर थोड़ा सा और मोटा करना चाहें, थोड़ा सा चौड़ाई और बड़ा करना चाहें, तो इनमें से हम किसी का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए ये वाला चाहिए तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए आपका जो सेफ है डिज़ाइन उसके अंदर वैसा ही रहा, लेकिन उसका जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा क्या हो गया, मोटा हो गया। और भी मोटा करना चाहें तो हम फिर से स्ट्रोक में जाएंगे और यहाँ से ये वाला ले सकते हैं। इसके अलावा और भी है, इसमें कुछ डिज़ाइन वगैरह भी है, जैसे आप इनमें से ये वाला लेते हैं तो ऐसा हो जाएगा। कलर बदलना चाहें तो ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ना उस पर आप क्लिक करें और जिस कलर पर क्लिक करेंगे वही कलर का होगा। तो अभी देख रहे होंगे कि इसका जो बॉर्डर कलर है वो ब्लू है और जो फील और फील में जो किया हुआ है उसका जो कलर है वो रेड है। फिर हम यहाँ से स्ट्रोक में जाएंगे, हम यहाँ से ये सब भी चूज कर सकते हैं, क्लिक करेंगे वैसा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी शेप में अगर आपको डिज़ाइन फिल करना है तो फिल मेनू पर जाएंगे और उसका जो बॉर्डर होता है उसमें अगर डिज़ाइन देना होगा तो स्ट्रोक में जाएंगे। और इसके बाद तीसरा मेनू है फिल एंड स्ट्रोक, मतलब इससे क्या होता है कि दोनों होता है, यानी एक ही बार में उस शेप का फिल डिज़ाइन भी अगर चेंज करना हो या उस शेप का बॉर्डर में डिज़ाइन देना हो, दोनों एक साथ करना हो तो फिल एंड स्ट्रोक पे जाएंगे। ये जो बॉक्स ओपन हो रहा है आपके सामने यहाँ पर फिल एंड स्ट्रोक में देखिए फिल भी दिखाई दे रहा है,
स्ट्रोक भी दिखाई दे रहा है। अभी जो डिफॉल्ट चूज किया हुआ है वही यहाँ पर ऑप्शन है। मान लीजिए हम यहाँ से फील में जाते हैं और इस बार हम यहाँ से ये वाला चूज कर लेते हैं, ठीक है, और स्ट्रोक में जाते हैं और इस बार हम थोड़ा सा ये वाला चूज कर लेते हैं, ठीक है। तो फील एंड स्ट्रोक दोनों हम चूज कर पा रहे हैं। यहाँ पर फील कलर रेड है ना, हम चाह रहे हैं कि यहाँ से ब्लू कर दें, और जो आपका जो स्ट्रोक है ना उसको हम रेड कर दें, ठीक है। मतलब बदलाव करना चाह रहे हैं, आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि फील एंड स्ट्रोक एक बार में भी चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से जैसे ओके कीजिएगा तो देखिए चेंज हो गया, उसका बॉर्डर भी डिज़ाइन कलर चेंज हो गया, बॉर्डर स्टाइल भी चेंज हो गया, इसके अलावा फील कलर भी चेंज हुआ, फील स्टाइल भी चेंज हुआ। तो मतलब ये तीनों मेनू क्या है, सिर्फ डिज़ाइन फील करना तो फील में जाएंगे, सिर्फ बॉर्डर स्टाइल देना है तो स्ट्रोक पर जाएंगे, और एक ही बार में दोनों काम करना है तो फील एंड स्ट्रोक पर जाएंगे। इसके बाद है फ्रेम। ये फ्रेम तो अभी हम लोग इसका ये वाला जब टूल का यूज करेंगे तब फ्रेम को समझेंगे। इसके बाद यहाँ से अरेंज समझिए। अरेंज मतलब होता है अरेंज करना, जैसे कभी क्या होता है कि एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट अगर आप लाएंगे, मान लीजिए एक और ऑब्जेक्ट हम लाते हैं, ठीक है, और इसके अंदर क्या करते हैं यहाँ से कलर डालते हैं, बीच वाला पे क्लिक कीजिए और यहाँ से कलर। तो देखिए अभी क्या हो रहा है कि यहाँ से अब आपके सामने दो ऑब्जेक्ट है, ये एक अलग ऑब्जेक्ट है और ये अलग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट अभी हम ला रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है ना कि ये जो पहले जो लाए हैं वो पीछे है और बाद में जो ऑब्जेक्ट हम लाए हैं वो सामने है। तो कभी अरेंज करने का जरूरत पड़ जाता है कि मान लीजिए जो हम रेड कलर वाला जो सेफ है ना, ये हम चाह रहे हैं बैकग्राउंड पर, और जो पहले लाए थे जैसे ये वाला जो सेफ है इसको हम लाना चाह रहे हैं सामने, तब अरेंज करने का ज़रूरत पड़ता है। और इसके लिए करना क्या है, एलिमेंट मेनू में जाइए और अरेंज पे जाइए, ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक, ये दो का यूज कर सकते हैं आप ज़्यादातर। नॉर्मली क्या है, सामने लाना हो तो ब्रिंग टू फ्रंट, पीछे भेजना हो तो सेंड टू बैक, ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड भी वैसा ही होता है। तो अभी क्या है कि कौन सा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है, ये वाला सेलेक्ट है ना, तो इसको क्या करना है सामने लाना है, क्योंकि अभी ये पीछे है, तो इसका मतलब इसको सेलेक्ट करके हम ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे, और या तो जो सामने में है इसको सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे सेंड टू बैक करेंगे, और जब ये सेंड टू बैक होगा तो जो पीछे वाला है वो क्या हो जाएगा सामने आ जाएगा। तो हम इसी को क्या करते हैं सेलेक्ट करते हैं, एलिमेंट मेनू में जाएंगे, अरेंज और यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट। तो देखिए अब ये सामने आ गया और जो पहले सामने था वो कहाँ चला गया, पीछे चला गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर पाते हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अरेंज कर पाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट मेनू है आपका अलाइन ऑब्जेक्ट। अभी अलाइनमेंट इसमें बदलने का जरूरत नहीं है, हालांकि सेलेक्ट करके आप अलाइनमेंट का यूज कर सकते हैं, लेकिन अलाइनमेंट वर्ड वगैरह पे ज़्यादातर यूज़ होता है, इन सब पर उतना यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट रैप। ये जब आप लिखते हैं ना, जैसे वर्ड वगैरह में भी होता था, अपने आप लाइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर टेक्स्ट रैप का यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि अगर रैप नहीं, टेक्स्ट रैप नहीं करते तो एक लाइन में ही लिखाता जाता है, लेकिन अगर आप टेक्स्ट को रैप कर देते हैं तो जैसे एक लाइन कंप्लीट होगा तो अपने आप लाइन चेंज हो जाता है। इसके बाद है यहाँ से ग्रुप अनग्रुप, ठीक है, ग्रुप है अनग्रुप है, हालांकि अनग्रुप अभी डिजेबल इसलिए है क्योंकि जब तक आप ग्रुप नहीं करेंगे तो अनग्रुप नहीं कर सकते। ग्रुप करने का मतलब ये हुआ कि जैसे ये ऑब्जेक्ट देखिए अलग है और ये ऑब्जेक्ट अलग है, अगर हम इन दोनों को एक साथ ग्रुप कर देते हैं तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि हम अभी कहीं मूव करना चाहें, किसी इस ऑब्जेक्ट को अगर एक जगह से दूसरे जगह ले जाना चाहें तो एक साथ हम दोनों को ले जा सकते हैं। और इस पर ग्रुप करने के लिए क्या है ना कि जब एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, ये सेलेक्ट हुआ, दूसरा पर क्लिक करें तो दूसरा सेलेक्ट हो रहा है, और जब दूसरा सेलेक्ट हो रहा है तो पहला वाला ऑटोमेटिक डिजेबल हो जा रहा है। तो जब तक आप दोनों को सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक ग्रुप नहीं कर सकते। तो क्या करना है आपको, पहला वाला जो सेलेक्ट है दूसरा वाला को सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ से शिफ्ट के साथ प्रेस कीजिए। याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह में जब ग्रुप करना होता था तो कंट्रोल के साथ हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते थे, लेकिन पेज मेकर पर आपको क्या करना है कि शिफ्ट के साथ आप उस शेप पर क्लिक करें, उस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें, इससे क्या होगा मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा। अभी देखिए ये दोनों सेलेक्ट हो चुका है, अब हम यहाँ से एलिमेंट मेनू में जाएंगे और यहाँ से ग्रुप कर देंगे।
तो देखिए अब ग्रुप कर दिया, अब एक ऑब्जेक्ट हो गया, अब कहीं भी मूव होगा ना एक साथ होगा। देखिए जब भी क्लिक करें एक साथ सेलेक्ट हो रहा है। थोड़ा सा अगर मान लीजिए अगर साइज थोड़ा सा अगर बड़ा करने का अगर बात हुआ तो दोनों बड़ा होगा। तो ये बेनिफिट होता है ग्रुप करने का। फिर अगर इसको हटाना हो तो यहाँ से देखिए अनग्रुप कर देंगे, अनग्रुप कर देंगे तो फिर दोनों क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। देखिए दोनों हो गया। अब हम यहाँ से मूव करेंगे तो देखिए ये अलग मूव होगा, वो अलग मूव होगा। तो यानी ग्रुप भी बेनिफिट होता है जब आप कोई डिज़ाइन वगैरह करते हैं। तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ प्रेस कीजिए, लेफ्ट बटन क्लिक कीजिए और जैसे ग्रुप कीजिएगा एक हो जाएगा, आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं। आसानी से आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं ग्रुप करने के बाद। नेक्स्ट मेनू है आपका लॉक पोजीशन, हालांकि अभी सेलेक्ट नहीं है इसलिए। लॉक पोजीशन का मतलब ये होता है कि जैसे ये जो पोजीशन है ना, जैसे ये अभी इस जगह पर है, हम मूव किए यहाँ पर कर पा रहे हैं, यहाँ मूव कर पा रहे हैं, यहाँ मूव कर पा रहे हैं, यहाँ मूव कर पा रहे हैं, लेकिन अगर हम इसके पोजीशन को अगर लॉक कर दें, इसके प्लेस को अगर हम लॉक कर दें, तो इसको एक जगह से दूसरे जगह आप नहीं लेकर जा सकते। करना क्या है आपको, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए, एलिमेंट मेन्यू में जाना है और लॉक पोजिशन पर क्लिक कीजिए। और ध्यान रखिएगा सभी का शॉर्टकट की भी दिखाई दे रहा है, सबका शॉर्टकट की भी दिखाई दे रहा है। जैसे लॉक पोजीशन का क्या है, आपका कंट्रोल के साथ एल है, तो जैसे क्लिक करेंगे आप तो ये ऑब्जेक्ट ना लॉक हो जाएगा। अब जैसे इसको अगर मूव भी करना चाहेंगे तो देखिए लॉक का सिंबल दिख रहा है, मतलब ये हुआ कि इसको आप एक जगह से दूसरे जगह नहीं लेकर जा सकते। इसको मूव करने के लिए फिर से क्या करना होगा, एलिमेंट मेनू पर जाइए और यहाँ से क्या कर देंगे हम, अनलॉक करेंगे। अभी अनलॉक हो गया, अब हम यहाँ से मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसी में आपका मास्क है, अनमास्क है, मास्क बता देंगे कभी, ठीक है, अभी इसमें इस वीडियो में नहीं बता रहे हैं। इसके बाद इमेज का ज़रूरत पड़ेगा नहीं, पॉलीगन सेटिंग और राउंडेड कॉर्नर समझ लीजिए। पॉलीगन सेटिंग का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से ये शेप बनाए, तो ये जो शेप बनाए ये कितना भुजा का है, ये शेप कितना भुजा का है, तो भुजा काउंट करेंगे, साइड अगर काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 छः भुजा का हो गया। अगर मान लीजिए इसमें ना इसी के जरिए हमको त्रिभुज बनाना है तो उसमें तो 3 साइड चाहिए, 3 भुजा चाहिए, तो क्या करेंगे, एलिमेंट मेनू में जाइए, पॉलीगन सेटिंग पर जाएंगे और यहाँ से नंबर ऑफ साइड्स में हम डाल देते हैं 3 और जैसे ओके करेंगे यही शेप आपका 3 भुजा वाला बन गया, ठीक है। फिर से आप एलिमेंट मेनू में जाइए, पॉलीगन सेटिंग में जाएंगे, देखिए यहीं से हम क्या कर सकते हैं, इसके साइड को बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ से घटा भी सकते हैं, ठीक है, साइड बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। और यहाँ से देखिए इस टाइप से भी बना सकते हैं, अगर ऐसा बनाना हो तो ओके करेंगे, ऐसा बन गया, क्लिक करना है इस पर तो ये क्लिक कीजिए, उसके अंदर कलर फिल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पॉलीगन सेटिंग की मदद से जितना भुजा वाला बनाना चाहें हम शेप बना सकते हैं। और एक होता है राउंडेड कॉर्नर, जब कभी ऐसा कोई शेप बनाइएगा, जैसे देखिए इसका कॉर्नर क्या है ना, गोल है, इसका कॉर्नर कॉर्नर गोल नहीं है, मतलब अभी कॉर्नर दिख रहा है, ठीक है। अगर कॉर्नर को गोल करना है तब हम यहाँ से क्या करते हैं, एलिमेंट मेनू में जाएंगे, राउंडेड कॉर्नर पर जाएंगे और यहाँ से कॉर्नर का टाइप होगा, अभी सबसे ज़्यादा वाला को अगर हम सेलेक्ट करते हैं और जैसे ओके करें, देखिए इसका कॉर्नर क्या हो गया, गोल हो गया, मतलब राउंडेड कॉर्नर की मदद से हम कॉर्नर को क्या कर सकते हैं, गोल कर सकते हैं। तो पेज मेकर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेनू यही एलिमेंट होता है, ज़्यादा यूज होता है ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो उम्मीद है एलिमेंट मेनू के बारे में इस वीडियो में आप लोगों ने समझा होगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।